हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। यहाँ तो दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते में मिलेंगे, चलो। सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? ये तो जप माला है, तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो, अब क्या करें? यहां से तो दो दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महासपति, बाई तरफ जाओ, बाई तरफ। सुना तुम लोगों ने, कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है, हम इस बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो। अरे यहां तो दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते में मिलेंगे, चलो। चिंता बनी रहती है, जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूं।
मालसापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है, जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था, उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ।